हाय एवरीवन, माय नेम शिवांत बसीन। वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, मंडे की मार्केट ओपन हो चुकी थी एंड आज हम लोगों ने पूरा साइडवेज ट्रेंड देखा है मार्केट के अंदर, बट एक गैप अप ओपनिंग हमें अच्छी लगी। इसके अलावा 18,000 रुपीज का लेवल भी हमें मार्केट के अंदर देखने को मिला। अब किस तरीके से प्लान कर रहा है, कल है 1 नवंबर, हमें किस तरीके से स्ट्रैटेजीज प्लान करनी है एंड कौन से स्टॉक्स पे हम फोकस कर सकते हैं। सो राइट नाउ अगर हम मार्केट को आज स्टडी करें तो बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर के बैंकिंग के स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं एंड जो प्राइवेट सेक्टर है वो अभी भी थोड़े से साइडवेज है और अभी मीडियम लेवल ही बढ़े हैं, वो ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। तो उन पे तो फोकस नहीं कर रहे हैं जो ऑलरेडी नहीं बढ़े हैं, बट जो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं उन पे अगर डिप आती है तो हमें एक अच्छा मौका मिल सकता है। अगर कोई भी इनसाइड कैंडल बनती है तो नेक्स्ट दिन वो हम लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, तो उस पर एक नज़र ज़रूर रखनी है। इसके अलावा पेपर स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं उस पर भी हम नज़र रखेंगे। तो आज मैंने 3 स्टॉक्स रखे हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ और निफ्टी बैंक निफ्टी में करना क्या, बिकॉज 18,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था जो कि बीट हो चुका है। अब यहाँ पे ट्रेंड चेंज होगा या यहाँ पे कंटिन्यूशन ट्रेंड चलते रहेगा और तो हमें और भी नए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, सारी बातें करते हैं इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा मैं कल एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसपे मैं आपको बताऊंगा कि इस महीने के पर्पस के लिए हम क्या स्ट्रैटेजीज प्लान करके चल सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, और जो भी मार्केट है यूएस की मार्केट उसके बेसिस पे कोरिलेशन करके क्या बन सकता है एंड कौन से स्टॉक्स हम पूरे महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं एज अ स्विंग ट्रेडिंग। तो चलते हैं अपनी इस वीडियो पे, अपने सेटअप पे। हाय एवरीवन, सो हम लोग अपने ट्रेडेड सेटअप पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे चेक करते हैं तो आप क्लीजली देख सकते हैं कि क्लोजिंग 18,000 रुपीज पे हो गया। अब यहाँ पे एक टर्न अराउंड हो सकता है, नॉट दैट कि टुमारो ये हमें देखने को मिलेगा, बट विद इन अ डे और टू हम लोगों को एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि द मार्केट इज गोइंग अप और यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है या नहीं आ सकता। यहाँ पे एक छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो मैं क्लियर करना चाहूँगा। आप देख सकते थे कि मार्केट एक अच्छे लेवल से ऊपर जा रही थी और इस ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन पे ऊपर जा रही थी, ऊपर जाती थी कंसोलिडेट, अगेन एक गैप अप, कंसोलिडेट, गैप अप, गैप अप्स, और देख सकते हैं कि मार्केट बुलिश थी। इसने अपने प्रीवियस रिजेक्शन को भी ब्रेकआउट दिया, इस वाले रिजेक्शन को, एंड एक गैप अप के साथ क्लोजिंग दी एंड आफ्टर दैट एक इनसाइड कैंडल एंड एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। सेम तरीके से यहाँ पर भी मार्केट एक कंटिन्यूएशन के थ्रू ऊपर जा रही है, ये इसका रेजिस्टेंस है। देयर इज अ हायर चांस कि शायद ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट लाइक दिस जो कि इस लेवल पे हुआ था, लेट मी शो यू, देख सकते हैं इसका ब्रेकआउट हुआ एंड आफ्टर दैट एक इनसाइड कैंडल बने या कोई भी रिजेक्शन कैंडल बने और मार्केट एक डाउन ट्रेंड ले सकती है। तो विद इन अ डे और टू हम लोगों को पता चल जाएगा कि ट्रेंड क्या है, बट राइट नाउ अगर मार्केट इसके ऊपर जाना भी चाहती है तो हमें एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 100 पॉइंट्स की रैली निफ्टी अभी भी दे सकती है अगर उसे अपने प्रीवियस ट्रेंड की तरफ जाना है। सो आई पर्सनली थिंक कि अगर आप हम RSI इंडिकेशन को भी चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट 75 रुपीज़ के आसपास ट्रेड, सॉरी 75 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है लेवल्स पे एंड अभी भी उस पर एक बाइंग स्टेबल है, मतलब अभी भी वो ज़्यादा ऊपर नहीं है और अभी भी एक अपसाइड और ऊपर जा सकती है। सो मेक श्योर कि हम इस पर एक बाय सेट अभी लेकर चले, नॉट दैट हमें कोई सेल अपॉर्चुनिटी नहीं लेकर चलनी है। एक बार 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले लेते हैं एंड ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम आप देख सकते हो कि मार्केट पूरे टाइम साइडवेज ही रही थी, ठीक है, पूरे टाइम साइडवेज रही थी ना। आफ्टर दैट लास्ट 15 मिनट के अंदर ये एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था एंड बैंक निफ्टी भी रिकवर करा था। सो हमें एक क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर तो पता ही है कि मार्केट एक बुलिश मोमेंटम पे ज़रूर है। अभी मैं करेंटली जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो US 30 डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स नेगेटिव है, वो चीज़ भी हमें फैक्टर इन करनी है अगर वो ज़्यादा गिरता है, बिकॉज फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे वो बहुत गिरा था बट हमारी मार्केट ने एक पॉजिटिव सेंटीमेंट लिया। इसके अलावा बहुत बुरी खबरें भी आई हैं और उसकी वजह से भी मार्केट ने पॉजिटिव सेंटीमेंट लिया है, तो वो सारी चीज़ें भी हमें चेक करनी है, ये वाली बात हो गई है। इसके अलावा अगर आप चेक करोगे तो एक बुलिश मोमेंटम तो दिया है, बट यहाँ पे इस बुलिश मोमेंटम का एक इंडिकेशन भी हो सकता है, दैट मीन्स कि जिस लेवल से इन्होंने बाइंग करी है, मतलब फॉर एग्जांपल ये जितनी भी बाइंग आई है वो एकदम से बाइंग में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया हो। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा कि जितने लोगों ने लोअर लेवल्स पर बाइंग करी थी उन्होंने एक ब्रेकआउट का वेट करा, जैसी ब्रेकआउट हुए रिटेल ट्रेडर्स एंटर करे एंड आफ्टर दैट एक मोमेंटम आई, इस मोमेंटम पे जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी है और मार्केट क्लोज हो गई। दैट उनका मतलब यही था बेसिकली कि मार्केट लास्ट 15 मिनट पे, आप देख सकते हो लास्ट 15 मिनट पे बढ़ी, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल है, दैट मीन्स एक तो अपसाइड आ सकती है या तो यहाँ से एक फॉल आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोगों ने बाइंग साइड में अपनी ट्रेड सेटअप्स लेकर गए होंगे फॉर टुमारो, फॉर दिस वीकली एक्सपायरी के लिए। यहाँ पर दो सिनेरियो बन सकते हैं, अगर कल एक बाई चांस गैप अप आता है और उस गैप अप पे मार्केट एक इंडिसाइसिव कैंडल बनाती है, बिकॉज अगर कल गैप अप आता है तो जितने भी बिग इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उनकी जितनी भी होल्डिंग्स हैं वो अपनी एग्जिट करने की कोशिश करेंगे।
अगर वो चीज़ होती है तो एक सेलिंग प्रेशर ज़रूर आ सकता है बिकॉज वो रिटेल ट्रेडर्स के लिए ट्रैप होगा। दूसरी चीज़, वो लोग एग्जिट तो करेंगे बट वो रिटेल ट्रेडर्स के लिए ट्रैप नहीं होगा बिकॉज उन लोगों ने अगर इन लेवल्स पर बाइंग करी और गैप अप आता है, और गैप अप पे मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, गैप अप पे अगर कोई भी इंडिसाइसिव कैंडल बन जाए या एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ना बने या बियरिश कैंडल बन जाए, तो वो लोग हाइपर में ना अपनी पोजीशंस को स्कोर ऑफ करना स्टार्ट करते हैं, तो और वहां से सेलिंग आ सकती है। तो मल्टीपल सिनेरियोस बन सकते हैं। तो कल मॉर्निंग का 45 मिनट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे डिसीजन को मेंटेन करने के लिए कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। बट राइट नाउ द मार्केट इज बुलिश। यहाँ पे हम सिर्फ आप लोगों को पॉसिबिलिटीज या सिनेरियोस बता रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी पूरे टाइम साइडवेज ही था एंड आफ्टर दैट गैप अप के बाद पूरे टाइम साइडवेज रहा है। ये लेवल है जिसके ऊपर अभी देखिए क्लोजिंग देकर नहीं गया, 41,350-370 रुपीस का लेवल है। अगर ये इसके ऊपर चले भी जाता है तो भी हम लोगों को लगता है कि ये इस लेवल तक ऑलमोस्ट 50-60 रुपए ही ऊपर जा पाएगा, तो मैं ज़्यादा इसकी तरफ भी लेकर नहीं चल रहा हूँ। मुझे लगता है कि अभी भी इसके अंदर एक अपसाइड बाकी है बट नॉट राइट नाउ। तो हम निफ्टी को फॉलो करेंगे, निफ्टी के थ्रू बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे। बट राइट नाउ ये रेजिस्टेंस पे है, निफ्टी रेजिस्टेंस पे है। हमें चेक करना है कि कल गैप अप होता है या स्टेबल खुलता है। अगर इसी लेवल पे ओपनिंग होती है तो शायद डिफरेंट सिनेरियो बन सकता है बट नॉट राइट नाउ। सो इस पे अभी ज़्यादा फोकस हम नहीं करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है डिक्सन। मैं डिक्सन आपके सामने ओपन कर देता हूँ ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, एंड ऑन अ डेली टाइम फ्रेम आप चेक कर सकते हो कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। ये इसका फर्स्ट शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया एंड दिस इज आर राइट शोल्डर। तो ये फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है एंड रिसेंटली इसने अभी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, अच्छी मोमेंटम के साथ दिया है एंड 50 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, विच इज़ अ अभी गुड साइन। सो आई पर्सनली थिंक ये और ऊपर जा सकता है। एक बार 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं एंड सारे इंडिकेटर्स को हटा देते हैं। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर लेवल था इस लेवल के ऊपर, लेट मी जस्ट शो यू, दिस पर्टिकुलर लेवल था, इसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है बट क्लोजिंग बिल्कुल शार्प आई है एंड आप देख सकते हो कि RSI भी ऊपर की तरफ ही है। तो मोस्ट प्रॉब्ली कल एक शायद साइडवेज चले जाए थोड़े टाइम के लिए एंड RSI कूल ऑफ हो एंड आफ्टर दैट वो ब्रेकआउट दे। सो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी सिनेरियो है, या तो अपने आज के हाई को अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हम अपना एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। सेकेंड दिन अगर ये नीचे ही खुलता है, इस लेवल पे ही खुल के नीचे जाता है और RSI हम लोगों को दिखता है कि 50 के आसपास है, 65 है, 60 है और यहाँ से एक बाउंस आ रहा है, तब अपना एक बाय सेटअप ले सकते हैं। ये चीज़ को फॉलो करके चलना, आई थिंक ये रिटर्न दे देगा। इसके अलावा आता है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा का भी मैं डेली टाइम फ्रेम ओपन कर देता हूँ एंड नॉट डेली, आई ओपन वीकली टाइम फ्रेम। एक राइजिंग चैनल के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक काम कर रहा है और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया होना वीकली टाइम फ्रेम। मल्टीपल रेजिस्टेंस थे, ये इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है। सो आई पर्सनली थिंक ये अच्छे लेवल्स दिखा सकता है और मोस्ट प्रॉबली अपने ये प्रीवियस वाली ट्रेंड लाइन को ये टेस्ट करने की कोशिश करेगा। सो एक बार इसका मैं 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ एंड ये अभी एक ब्रेकआउट के बाद, एक अच्छी अपमूव के बाद एक रेंज बाउंड सेशन में है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है और क्लोजिंग आती है ऊपर तो अपने एक बाय ट्रेड ले सकते हैं, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर सजेस्ट कर दूंगा। सो मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अब बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक की। सो लास्ट स्टॉक इज अल्कम लैब। अल्कम लैब में लेट मी ओपन अ डेली टाइम फ्रेम। सो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम ज़्यादा कुछ खास नहीं है बट मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, एक अच्छी खासी मोमेंटम के बाद ये एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर गया। आफ्टर दैट उसने कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकडाउन दिया, 61% लेवल पे आया फिबोनाची के, जो कि एक गोल्डन रिट्रेसमेंट रेशियो होता है। एग्जैक्टली वहाँ पर उसने पॉज लिया और एक पैटर्न ड्रॉ करा है, लेट मी जस्ट शो यू। 4 hours के टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड सब कुछ रिमूव कर देते हैं। सो मैं एक लाइन सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे इस लेवल पे, एट दिस लेवल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बना है। दिस इज द फर्स्ट शोल्डर, दिस इज आर हेड एंड दिस इज आर नेक्स्ट शोल्डर, और इसका ब्रेकआउट ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिल चुका है। अगर ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई, दैट इज दिस पर्टिकुलर लेवल, अगर ये 3160 के ऊपर निकलता है कल के ट्रेडिंग सेशन पर, एक 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग भी आती है, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय अल्कम लैब और एक अच्छे रिटर्न ये दे सकता है। मोस्ट प्रॉबली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो 50 पॉइंट्स की रैली बहुत ईजिली ये पर्टिकुलर स्टॉक दे सकता है, तो आप इसे ऐसा वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सो राइट नाउ यही था हमें आपको शो करने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और एजुकेशनल कंटेंट हम लेकर आने वाले हैं बहुत जल्दी। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन टेलीग्राम चैनल। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।